अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बस ये और बात है कि आजकल थोड़ी लेज़ी हुई हुई हूँ, सुस्ती है, पता नहीं क्यों। आई थिंक वेदर भी चेंज हो रहा है कुछ, और कुछ तबीयत भी, इसी वजह से आई थिंक सुस्ती हो रही है। तो आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से मैंने काफ़ी सारा टाइम ऐसे ही ज़ाया कर दिया। लेकिन फिर उठी के नहीं भाई, उठते हैं और काम करते हैं और अपनी चीज़ें जो मुझे कुछ अपने ज़रूरी पर्सनल काम करने थे वो करते हैं। तो बस इसी लिए जल्दी जल्दी मैंने पहले बना लिया जी, डिनर पहले ही रेडी कर लिया, क्योंकि जो काम मुझे करना था उसके बाद मैं किचन में नहीं आना चाह रही थी। और यहाँ पीछे रोहिल सुन रहे थे म्यूज़िक और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं हुआ कि साथ में थोड़ा थोड़ा सा वो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक बन गया। एनीवे जी, मुझे आज क्या काम करने थे, ये भी बस मेरी सुस्ती की वजह से काफ़ी पेंडिंग पड़े रहे मेरे काम। तो आज फाइनली मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया है कंवल जी, अब उठ जाना चाहिए। तो जी ये मेरी पहले तो मैंने सबसे पहले खाने के बाद खाना बनाने के बाद मैंने जी लगा ऑयलिंग की अपनी और खूब भर भर के लगाया जी अच्छे से ऑयल। आजकल ये मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, कैसा होगा ये मैं आपको बाद में बताऊँगी इसके बारे में। और फिर मैं आ गई जी, ये मेरी मंथली रूटीन होती है, वैसे आपकी वीकली या डेली स्किन रूटीन तो होती ही है जो हम सब फॉलो कर रहे होते हैं, क्लिनजिंग है या वीकली किसी ने कुछ सेट किया होता है, इसी तरह से मेरी भी है। लेकिन मेरी एक मंथली रूटीन भी है जो कि मैं एवरी मंथ करती हूँ, जिसमें फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, मैनीपैडी सब कुछ आ जाता है। और ये मैं घर पर ही ओबियसली कर रही होती हूँ। आज फिर मैंने इतना डिटेल्स तो नहीं किया, बस फेशियल किया और जी मैंने किया वैक्सिंग, थ्रेडिंग एंड मैनीपैडी मैंने नहीं किया। और वैक्सिंग की मैंने ये एवोगाडो की इस बार मंगाई थी, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं लिंक भी डाल दूँगी और आप देख सकते हैं जाके। और इस फेशियल की भी कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी, इसकी अनबॉक्सिंग भी, प्राइस भी, रिज़ल्ट भी, सब कुछ, तो आप देख सकते हैं जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो बस फिर मैं फेशियल स्टार्ट किया। और जी आप भी बिल्कुल अपना ख्याल रखा करें, इसी तरह से अपनी स्किन का, मतलब अपनी डाइट का अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और रखना भी चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत सारी इस तरह की फीमेल्स होती हैं जो बाद में, मतलब आफ्टर मैरिड बहुत सारी चीज़ें छोड़ देती हैं कि लेज़ी हो जाती हैं घर और बच्चों में, और अपने सबका ख्याल रखती हैं, लेज़ी नहीं मतलब सबका ख्याल रखती हैं, बस अपने ऊपर उतनी तवज्जो नहीं देती, लेकिन देना चाहिए। तो मैं तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल करती हूँ सारी चीज़ें। तो ये सुस्ती की, थोड़ी लेज़ी थी तो लेट हो गया, लेकिन आज फाइनली मैंने देखें उठ के कर लिया। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पे फेशियल किया मैंने, और फेशियल करने के बाद जी मैंने क्या किया जी, तो फेशियल करने के बाद कुछ काम था बाहर का, तो सोचा कि अब वो भी कर लिया जाए। कहाँ जा रही हूँ वो भी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले जी आप देखिए मेरे फेशियल का रिज़ल्ट, ये देखें डे में बड़े अच्छे से नज़र आएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का फेशियल हुआ है। टी जोन एरिया से आपको पता है, पता चल जाता है कि फेशियल कितना ज़बरदस्त हुआ है, शाइन शाइन हो रही होती है ना। क्या चमचमा रहा है, आप देख सकते हैं फेस। इसको कहते हैं जी, क्या कहते हैं, अपने मुँह मियाँ मिठू बनना। नहीं मैं एक्चुअली आपको फेशियल के बारे में बता रही हूँ कि मैं इसके फ़ैन हो गई हूँ, इतना ज़बरदस्त इनका गोल्ड फेशियल है एडीएस का, ज़बरदस्त है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें जी। तो मैं आ गई थी जी गुल अहमद, और गुल अहमद से मुझे लेना था, इनके होम स्टोर में आई हूँ और मुझे लेने थे एक्चुअली पिलो। मेरा पिलो ख़राब हो गया था और पता नहीं नेक में दो दिन से पेन था, मैं इसलिए भी शायद थोड़ी सुस्त हो रही थी, मेरे नेक में बहुत पेन था और मुझे लगा आई थिंक पिलो की वजह से ना हो रहा हो ना, तो बस वो फिर मैं यहाँ लेने आ गई। ये है जी इनका होम स्टोर और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका स्टोर बना हुआ है, लेकिन यहाँ आए तो पता चला कि पिलो जो है वो ख़त्म हो गए हैं, वो है ही नहीं, स्टॉक आएगा। तो फिर मैं काफ़ी परेशान हुई कि अब आई हूँ तो अब मिल ही जाते तो ज़्यादा अच्छा था। एनीवे यहाँ डिस्प्ले में था तो एक लेडी ने डिस्प्ले में से दो ले लिए, अब मैंने सोचा कि हम भी अब यही कर लेते हैं। तो अब उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई दो आपने सेल कर दिए, दो बचे हैं, आप क्या करेंगे रख के, दो हमें सेल हमें दे दें आप। तो यानी फिर उन्होंने वो दे दिए, तो बस मैं फिर ये पिलू ले लिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ इनका पूरा स्टोर। वैसे जब हम ऐसी जगह पे आते हैं होम स्टोर्स पे या होम डेकोर की जगह या किचन की जहाँ एक्सेसरीज़ हों, तो फौरन ही दिल स्लिप जो है ना, हम हर चीज़ पे स्लिप हो जाते हैं और दिल आ जाता है हर चीज़ पे कि ये भी ले लें, ये भी ले लें। हम सब के साथ आई थिंक फीमेल के साथ यही होता है। तो ये जी इनका ज़बरदस्त है होम स्टोर, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना बेड शीट्स और पिलो कवर्स और सारी जो है ना इनकी इस बार रेंज अच्छी, बहुत अच्छी थी। तो
तो यहाँ पे जी मैं ये दिखा रही थी आपको, बस रोहेल ने फिर वहाँ लिए और नीचे जाके पेमेंट करा दी। तो मैं अब घर जाके आपको दिखाती हूँ कि क्या लिया है और कैसे लिया है। बस अब घर जा रहे हैं क्योंकि बच्चे घर पे ही थे। और अब ये वाकई मैं बहुत अच्छा फ्रेश फील कर रही थी आफ्टर जो है अपने आप को थोड़ा सा टाइम देने के बाद। आप देख सकते हैं कि फेस से नज़र आ रहा होगा मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रही थी, तो इसलिए आप भी ज़रूर अपना ख्याल रखा करें। और जी अब घर आ गई हूँ मैं, और ये देखें आपने, मैंने लिए हैं ये जो दो पिलो थे, ये कवर नहीं, इनके ऊपर रैप पैक नहीं थे ये, क्योंकि ये वहाँ डिस्प्ले में लगाए हुए थे, तो मैंने भी पैकिंग का क्या करना था, तो इसलिए मैं ये लेकर आ गई। और बड़े ज़बरदस्त और कंफर्टेबल और बड़े सॉफ्ट, मतलब अच्छा क्वालिटी का जो है ना इनका पिलो होता है। अच्छा जी, साथ में मैंने ले लिए पिलो कवर। और पिलो कवर, ओफ भाई, हर चीज़ की प्राइस इतनी इंक्रीज़ हो गई है कि आसमानों से बातें कर रही हैं। ये पिलो कवर जब मैं आफ्टर सेल लेती थी 50% सेल पर, तो ये मुझे मिलते थे 400 के, आई थिंक 800 का इनका एक्चुअल प्राइस होता था, और 350 या 400 के अंदर मिलते थे। और इसमें तीन सेट होते हैं, मतलब तीन पेयर होते हैं पिलो के। और अब जो है मिला है मुझे, उफ, इनकी प्राइस हो गई है 1800, और उफ, तो 50% ऑफ पे मुझे मिला 9 का। तो जी कैसा लगा आज की वीडियो, ये थी आज का रैंडम सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कर दीजिएगा लाइक। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। रखिए अपने अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। और ये देखें जी, मैंने ज़बरदस्त यहाँ कवर भी कर दिया था इनको। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, और रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।